दुनिया में जितने रंग हैं उन्हें देखने के लिए हमें पलके खोलना जरूरी होता। जी हाँ, अगर आंखें हैं तो दुनिया है। आज हमारे साथ शहर की मशहूर ब्यूटिशियन एक्सपर्ट है पूनम गुप्ता, उनसे जानेंगे कि जो आम महिलाएं हैं अगर उन्हें पार्टी में जाना है तो कितनी जल्दी वो अपने आंखों को मेकअप के जरिए अपनी सुंदरता को निखार सकती हैं। कि आज आंखों का मेकअप जो है वो बहुत जान है मेकअप की, और मैं तो ये सोचती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेकअप आइज़ का ही होता है और सबसे पहले भी आइज़ का होता है। आइज़ की से मेकअप की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आँखों को पहले क्लीन करना है, और 2-3 मिनट के लिए अगर किसी के फेस पे झाइयाँ हैं तो उसे रिमूव करने का एक लोशन लगाना है, उसके बाद 3 मिनट के लिए उसको छोड़ना है, उसके बाद एकदम से हम मेकअप शुरू करते हैं। मेकअप के लिए हमें स्किन से लाइट टोन का एक प्रीमर लेना है, और प्राइमर लगाने के बाद लाइट मेकअप का हमें लगाना है, जस्ट लाइक वाइट कलर का। और उसके बाद क्यों वाइट क्यों लिया, ताकि वाइट लेने के बाद जो भी हम उसके ऊपर शेड लगाएंगे वो क्लियर आएंगे। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले आई शेड से, कि अगर मान लो जो उसने ड्रेस पहन रखी है अकॉर्डिंग टू ड्रेस आई शेड शुरू करते हैं, जो ड्रेस में उसके कलर हैं हल्के हल्के कलर का हम लगाना शुरू करते हैं। लगाने के बाद फिर लाइनर, लाइनर के अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो हम बताना भूल गए वो है मेकअप करते समय आई का, हमें आईब्रोज बिल्कुल अच्छी सी बनी होनी चाहिए। अहम रोल है मेकअप में, आईज़ के मेकअप में, कि आईज़ की जो आईब्रोज हैं वो प्रॉपर बनी हुई हों। उसके बाद हम हल्का सा आई शेड हम लगाएंगे, और आईब्रो पेंसिल को लाइट शेड का यानी कि 1 नंबर कलर का हम उसके स्टार्टिंग में लगाएंगे, एंड एंड तक ले जाते समय हम उसमें एक ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आईब्रो है। इसके बाद हम जब आए उस पर आते हैं आईज़ पर, तो शेड्स लगाएंगे, और उसके बाद लाइनर, लाइनर के बाद मस्कारा, और अगर ज़रूरत है तो आईलेसेस भी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 3D मेकअप आईज़ का करना है तो उसके लिए हमें एक हाइलाइटर आईज़ के जो इस साइड हमें लगाना होता है यहाँ लगाएंगे, और लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे, जिस जगह हम यहाँ हाइलाइटर लगाएंगे उसके जस्ट लाइक नीचे की तरफ भी हमें मिड पॉइंट पर जो हमारा जो आई बॉल जो ब्लैक वाला जहाँ बॉल आता है, अगर हम बिना मेकअप के वहाँ देखें तो लाइट पड़ती है, उस जगह हम भी हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करने से आईज़ हमारी बहुत सुंदर लगती हैं। और एक बात का और बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर हमने आईज़ का मेकअप डार्क किया है तो लिपस्टिक का कलर लाइट लगाएंगे, और अगर हमने लाइट किया है मेकअप, जैसे हमें डे में कहीं जाना है और लाइट हमें करना है, लाइट और डे का हमें फ़र्क करना होगा। अगर हमें दिन में करना है तो हम मेकअप को लाइट करेंगे, आईज़ का मेकअप भी लाइट करेंगे, तो हम लिप्स को डार्क कर सकते हैं। और अगर हमें रात में जाना है, हमारा नाइट का मेकअप है डार्क मेकअप है, तो हम जो लिप्स का मेकअप है उसे जो है लाइट करेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे।